नफरत की आग या यूं कहे प्रांतवाद की राजनीति ने महाराष्ट्र में कोलाहल मचाने के बाद गुजरात में भी दस्तक दे दी है, जिसकी एक बानगी सूरत में आयोजित कांग्रेस के उत्तर भारतीय महासम्मेलन में देखने को मिली, जहां अभिनेता और कांग्रेस सांसद राज बब्बर सहित महाराष्ट्र के सांसद संजय निरुपम ने भी न सिर्फ मोदी के खिलाफ आग उगली बल्कि प्रांतवाद की राजनीति को जमकर हवा दी। पेशे सियासत की पोल खोलती ये रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद राज बब्बर ठहरे अभिनेता, सो गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर उन पर अपनी ही शैली में तीखे वार किए। ये जो अहमदाबाद गांधीनगर की कुर्सी पर बैठे हैं, आज की तारीख में इनका अखबारों में नाम बहुत सुनते हैं, टीवी पर बहुत देखते हैं, कुर्ते भी अच्छे पहनते हैं, डिजाइनर के पहनते हैं, फिटिंग भी बहुत अच्छी होती है, सारी मेहनत इन्होंने अपने आप पर कर ली, लेकिन गुजरात पर कोई मेहनत करने का काम नहीं किया, क्योंकि आम आदमी से पूछो तो वो तो बीपीएल का कार्ड लेते हुए भी तरसता है कि मुझे पहचाना ही नहीं जा रहा, मुझे मेरा कार्ड नहीं दिया जा रहा, राशन मिलता था कांग्रेस की सरकार में, आज तो कहा जाता हमें सलाम करो तब तुम्हें राशन दिया जाएगा। अभिनेता और कांग्रेस सांसद राज बब्बर के ये आक्रामक तेवर देखने को मिले सूरत में आयोजित कांग्रेस के उत्तर भारतीय महासम्मेलन में। महासम्मेलन उत्तर भारतीयों का था तो जाहिर है प्रांतवाद के जहर को हवा तो देनी ही थी, सो लगे हाथ राज बब्बर ने ये भी कर डाला। क्या कुछ कहा कांग्रेसी सांसद सह अभिनेता ने, जरा आप भी सुनिए। जो सूरत के अंदर बरसों पहले आए और जो आज अपने आप को गुजरात का एक हिस्सा मानते हैं, लेकिन गुजरात का शासन प्रशासन जो है आज का, वो इनको गिनती गिनता है बाहर के लोगों की तरह से, इनको जो है किसी तरह की जो सुविधाएं वो नहीं देता, और दूसरी चीजें जो है इनकी जो सबसे बड़ी बुनियादी चीज ये है कि यहां पर जो है ये तमाम जो सरकार के जो लोग हैं, सरकार के जो नुमाइंदे हैं, वो इन लोगों के साथ में भेदभाव करता है, और ये एक अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जो जिन्होंने गुजरात की प्रगति में, उन्नति में, डेवलपमेंट में जिन्होंने हाथ बढ़ाया है, उनके साथ भेदभाव किया जाए। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गैर गुजरातियों को अपनी ओर खींचने के लिए कांग्रेस ने महाराष्ट्र से उत्तर भारतीय सांसद संजय निरुपम को इस महासम्मेलन के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया था, तो मध्य प्रदेश के नेता विपक्ष अजय सिंह को वक्ता के रूप में। जाहिर है कांग्रेस मोदी को शिकस्त देने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, लिहाजा कांग्रेस के क्षेत्रीय सिफेसलारों ने भी वोट बैंक के लिए उसी रास्ते को चुना जिसके लिए वो मन से अध्यक्ष राज ठाकरे को पानी पी पी कर कोसते हैं। राज ठाकरे जो मुंबई में महाराष्ट्र में करते हैं वो सर्वथा गैरकानूनी है, संविधान विरोधी है और इंसानियत विरोधी है। ऐसे व्यक्ति को बुला करके उसको मान सम्मान देना, उसको अपना एक स्टेट गेस्ट बनाना और उसके साथ आगे चल करके एक प्रकार के गठबंधन की तैयारी करना, मुझे लगता है उसके विचार को समर्थन देने वाली बात है। तो मोदी राज ठाकरे को समर्थन देकर के कहीं ना कहीं पूरे उत्तर भारतीय समाज के दिल को दुखाते हैं, ऐसा मेरा मानना है, और उत्तर भारतीय समाज को इस बारे में अपना फैसला करना चाहिए। अब इसे क्या कहें, सियासत की नई सूरत या वोट बैंक की मजबूरी या फिर सत्ता पाने की चाहत, जो भी हो कांग्रेस के सूरत महासम्मेलन ने क्षेत्रवाद से अब तक अछूता रहे गुजरात में महाराष्ट्र की तर्ज पर एक नई बहस छेड़ दी है। कृतेश पटेल, सहारा समय, सूरत।